मेयर के पास में भी गए तो बोला कि चार दिन के बाद नल गड़वा देंगे तो वो आप बोलता है मेरे पास टाइम हाँ टाइम नहीं ना सर पाँच दिन आठ दिन के बाद एक टंकर पानी भेजते हैं तो इतना बस्ती है तो कहा एक दिन का खाना सब दिन चलेगा दस दिन सर नहीं ना चलेगा कि कल में जल ही नहीं है मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर इस कल में पानी नहीं आ रहा है में रहते हैं कहा पानी ला जा रहे हैं तालाब में अभी जा रहे हैं पानी के हाँ इका ले लिए है ए, एक डिब्बा पानी में दिन भर गुजारिश करना है तो, तो क्या करेंगे नमस्कार मैं लो और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन सासाराम में पानी की समस्या को लेकर सासाराम की जनता हीमाम कर रही है और लगातार सासाराम नगर निगम से गुजारिश कर रही है जनप्रतिनिधियों से गुजारिश कर रही है जनता कि इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या से निजात दिलाया जाए पर्याप्त मात्रा में पानी जाए मैं आपको बता दूं कि कल ही नगर निगम का घेराव किया गया था वार्ड पार्षद की पर्याप्त रूप से व्यवस्था कर रहा हूँ हर इलाके में टैंकर भेज रहा हूँ क्या टैंकर आता है नहीं आता है नहीं आता। नहीं आता। नगर आयुक्त कह रहे हैं की टैंकर भेजते हैं नहीं आते हैं मेयर के पास में भी गए तो बोला की चार दिन के बाद नल देंगे तो वो आप बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पास मेरा तबीयत खराब है ऐसे है वैसे कौन कहते हैं मेयर साहब डब्लू ना हाँ। वही मेयर साहब का व्यवस्था के लिए कुछ किए हैं नहीं कुछ नहीं किए हैं कुछ नहीं, नहीं। टैंकर का व्यवस्था होता है नगर आयुक्त कह रहे हैं कि हम टैंकर भेजते हैं सुनिए ना सर पाँच दिन आठ दिन के बाद एक टैंकर पानी भेजते हैं तो इतना बस्ती है तो कहा एक दिन का खाना सब दिन चलेगा दस दिन सर नहीं ना चलेगा, चलेगा। तो भेजते हैं तो कौन काम का भेजते हैं हम लोग का जब पानी, पानी, पानी समय पानी नहीं मिलता है वो पानी पी कर का करेंगे इतना भीषण गर्मी में पानी की समस्या कैसे रहते है बहुत कठिन से सर ये पेड़ तरह वो पेड़ तरह हम लोग बच्चा लेकर सगले बल्टी लेकर जाते हैं पानी लेने के लिए पच्चीस किलोमीटर बीस किलोमीटर पानी लेने के लिए तो मेयर है वो कभी आए हैं इस इलाके नहीं है यहाँ नहीं आए हैं दूसरे इलाका में बोले थे आने के लिए नहीं आए की अभी आ, हमको टाइम नहीं है टाइम नहीं है। बहुत दिक्कत है पानी के आ, बेगर पानी और हम लोग कैसे रहेंगे बल्ब कैसे पालेंगे दूरी दूरी से पानी लाते हैं कितना दिक्कत है पानी का कितना दूर से पानी ला रहे हैं दस पंद्रह किलोमीटर जाते हैं बीसों किलोमीटर खाखन में जाते हैं बाल बल्ब कैसे रहेगा हम लोग तो कुछ इतनी देर तक टिकेंगे लेकिन लड़का कैसे रहेगा सब तरह की दिक्कत सर कल उल है कल गड़ा है तो कोई काम का नहीं है एगो दोगो है तो कोई काम का है पानी, जब... पानी चलता है पानी चलिए नहीं, नहीं रहा तो है तो कोई काम के नहीं है सर नहीं। जब है तो? नहीं देखिए वहाँ पर कल है जो कि कहा जा रहा है कि कल में जल ही नहीं है मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर इस कल में पानी नहीं आ रहा है और सासाराम की जनता पानी के बगैर लगातार त्राहिमाम कर रही है क्या कहिएगा कब से सूखा हुआ है कल ये दो महीना दू महीना से सूखा हुआ है कितना निरीक्षण करने के लिए नगर नहीं नहीं कोई नहीं आया है कम्प्लेन किए तब वो कोई नहीं आया बोला की तो कुछ सुनवा की आएंगे मगर तो नहीं आए कौन बोले थे मेयर साहब बोले थे की आके हम तीन गो नल देंगे लिख भी लिए है लेकिन फिर भी नहीं आए है नहीं फोन कर रहे तो बोलता है की आज नहीं आएंगे कल आएंगे और आने का नगर निगम कहता है कि हम टैंकर भेजते हैं बराबर नहीं भेजते हैं मतलब पाँच दिन में एक बार कई दिन पर रोड टैंकर आता है पाँच दिन पर आता है टैंकर मिनट पानी खत्म हो जाता है कोई घर भराया कोई घर भराबो नहीं किया पानी हो जाता है जब टैंकर नहीं, नहीं होता नहीं। है होता है कोई घर पानी हुआ कोई नहीं हुआ नहीं कैसे रहते हैं पानी के बगैर बल्कि लेकर इधर उधर भटकते हैं पानी के लिए कितना दूर है तालाब तालाब तीन किलोमीटर दूर है पानी लाते हैं जी जी साफ दौर पे कहना है कि तीन किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं क्या कहिएगा टैंकर उनका आता है नगर निगम के तरफ से ना नहीं आता तो पहाड़ में रहते हैं पानी ला जा रहे हैं तलाब देने का ले लिए है ए, एक डिब्बा पानी में दिन भर गुजारिश करना है त, तो तो क्या करेंगे आ, अब दूर से पानी लाना है तो का करिएगा कैसे करते हैं अब पीते हैं वही में गुजारा हो जाता है दिक्कत है की नहीं दिक्कत नहीं है बिना दिक्कत के है हाँ तो हम लोग का पानी दीजिए और से देखिए कल है न कुछ नहीं है नल जल जो लगा है उसमें जल आता है ना एको न कुछ न लगा है खाली टेम्पो ही तरह है हाँ देखती में ना सरकारी काम में एको ना सब बिगड़ा हुआ है कोई बना वाला नहीं आ रहा है कोई नहीं आता। ना नगर निगम का कोई आदमी आया था कभी न... न... था। ना चेयरमैन कोई ना ना इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर नगर निगम के आदमी भी नहीं आते हैं कभी तो निरीक्षण करने के लिए मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर डिब्बा में पानी लोग लाते हैं और दिन भर इतनी पानी में गुजारिश करना पड़ता है इन लोगों का इस भीषण गर्मी में लगातार सासाराम की जनता पेयजल के लिए त्राहमाम कर रही है फिलहाल आप देखते रहें मीडिया दर्शन